स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ई वे बिल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है क्या, ई वे बिल क्या है और कहां से जनरेट करेंगे। ई वे बिल एक स्टेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि ई वे बिल gst.gov.in पोर्टल से जनरेट करना है। सेकेंड नंबर क्वेरी है कि ये बिल जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। भाई आप अगर सप्लायर हैं आपके लिए एप्लीकेबल है, रिसिपेंट हैं आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्टर हैं भाई आपके लिए भी एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सभी के लिए एप्लीकेबल है ये। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ईवी बिल कब जरूरत पड़ेगा। जब आप सामान एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओगे तभी ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई सेल जब करते हैं ना तो ही ई वे बिल लगेगा। नहीं जी, हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस होगा नेक्स्ट वीडियो में। ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो थे उसको क्लियर करने के लिए, है ना। चार ऐसे क्वेश्चन थे तो तीन तो क्लियर हो गया, चौथा क्वेश्चन ये आया था कि क्या कोई एग्जेम्पशन लिमिट है। हाँ जी है, 50,000। अगर आपका गुड्स जो है 50,000 का वैल्यू है आपके गुड्स का तब तो ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा का वैल्यू है और गुड्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुआ क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं आज के डेट में। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अपने, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे उनके, तो उनके अनुसार टोटल 459 टोल प्लाजा है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। अगर आप कभी कभी केयर भी किए होंगे कि रोड के किनारे जो है लंबी कतारें लगी रहती हैं ट्रकों की, क्या कारण है भाई, चेक इन हो रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार गुड्स है या नहीं है, किसने बेचा किसने खरीदा, ये सारी जानकारी जो है वो ऑफिसर्स जो है वो चेक करता है और इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ई वे बिल का सिस्टम ये जो है वो एप्लीकेबल कर दिया है इंडिया में। तो ई वे बिल से ये सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी, लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी से वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ई वे बिल का अगर आप फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म है EWB01, रूल 138 में इसका डिटेल हम लोग जानेंगे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट ए में जो है वो 8 पॉइंट है, यहाँ पे फॉर्म में दिया गया है 8 पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जिसको आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये 8 पॉइंट में आपका GSTIN नंबर जो है वो देना पड़ेगा, रिसिपेंट का प्लेस ऑफ डिलीवरी देना पड़ेगा, इनवॉइस और चालान नंबर देना पड़ेगा, इनवॉइस और चालान डेट देना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स देना पड़ेगा, HSN कोड देना पड़ेगा, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या कारण है आपको एक जगह से दूसरे जगह जो आप माल सप्लाई कर रहे हो क्या कारण है, है ना। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का नंबर देना पड़ेगा। पार्ट बी में सिर्फ केवल एक ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो है व्हीकल नंबर, ठीक है। और जो बिल जनरेट होगा कुछ इस प्रकार होगा, ये ईवी बिल का स्क्रीनशॉट है, ये देखिए। उस आप उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, ड्राइवर को अपने दे दीजिए और ड्राइवर जो है अपने साथ अदर डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ ई वे बिल का डॉक्यूमेंट भी वो कैरी करेगा और ऑफिसर्स जो है वो जल्दी से चेक पोस्ट पे जो है वो चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि कहाँ का माल कहाँ जा रहा है, कौन खरीदा है कौन बेचा है, है ना। ट्रक का जो ट्रांसपोर्टर है उसके डिटेल भी उसमें प्रोवाइड रहेंगे, व्हीकल नंबर किस गाड़ी से जा रहा है ना, ये सारी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। तो ये आरटीओ आपने नाम सुना होगा, जिसके पास जो है
जो भी व्हीकल्स हैं उसके डेटाबेस मौजूद होते हैं, वहाँ भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं और टोल प्लाजा पे जो तैनात ऑफिसर्स जो हैं वो तो पैसा लेके भी गाड़ी को जो है वो छोड़ देते थे। 500,000, कभी कभी तो 10,000 तक पेमेंट करना पड़ जाता था जल्दी गाड़ी को छोड़ने के लिए। तो ये सारे जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। टैक्स इवेजन भी करते थे जो बिजनेसमैन है, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ई वे बिल का। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, और शायद जो अभी तो आप लोग को पता ही है कि अभी एप्लीकेबल हुआ था फरवरी के 1st से, लेकिन अभी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और फर्दर नोटिफिकेशन का इंतज़ार है सभी को। तो हो सकता है गवर्नमेंट सितंबर अक्टूबर तक उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे तो 1 जून से जो है विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट दोनों में जो है वो एप्लीकेबल होगा ई वे बिल, और लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ई वी बिल से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है जो है वो डिस्कस करेंगे सेक्शन 68, ठीक है, और रूल जो है 138 से 138D तक, जो कि ई वी बिल की संपूर्ण जानकारी जो है उसमें आ जाएगा। तो देखना ना भूलिएगा। और उसके लिए आपको क्या, ये आप या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, या फिर टेलीग्राम हमारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन करके जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, और AUBSP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो फटाफट आपको मिल जाए इंस्टेंटली, जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड होगा। तो GST के ऊपर कोई भी अगर क्वायरीज हो, आइदर आप प्रोफेशनल हैं, आइदर आप स्टूडेंट हैं, आइदर आप बिजनेसमैन हैं, किसी प्रकार का अगर क्वायरी हो GST से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए और मैं अपना 100% दूंगा और आपकी क्वायरीज रिजॉल्व जरूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।